बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो पिछली मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर थे आप लोगों के। इस वीडियो में आप लोगों के मैं जो क्वेश्चंस के आंसर्स वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये रिलेटेड होंगे सारे जो फॉल्ट 21-22 के रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड, उससे रिलेवेंट। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन था कि आपके जो एग्ज़ाम है ये फिज़िकल होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो ये एग्ज़ाम फिज़िकल होंगे, अगर मे भी अगर अल्लाह करे ऐसा ना हो कि हालात बहुत वर्स हो जाएं, जो न्यू वर्जन आया कोरोना का वो ज़्यादा पहले, तो तब कुछ चांसेस हो सकते हैं कि ऑनलाइन हो जाए। बट अभी तक जो सब कुछ प्रिपरेशन है और जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो फिज़िकली होंगे। वो गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी होगी, अगर जो फेडरल गवर्नमेंट है जो अनाउंस करती है या प्रोविंशियल पंजाब गवर्नमेंट है अनाउंस करती है कि हालात वर्स हो गए, तो उस केस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ जाएंगी। बट अभी जो जो सारी प्रिपरेशन है वो फिज़िकल एग्ज़ाम की है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन था कि आपका जो ये है एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न क्यों दिया गया है। ये न्यू पैटर्न इसलिए दिया गया है कि एग्ज़ाम होते थे तो अब किसी बच्चे को पता नहीं होता था कि ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, इसमें MCQs कितने होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे जो अदर पार्ट है। अब इसको यूनिफॉर्मली कर दिया था, 100 मार्क्स का है, चाहे वो 2 क्रेडिट आवर का है, चाहे 3 का है, चाहे 4 का है, सबकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है ताकि हर किसी के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट फार्मूला याद रखना ना पड़े। सेम हर किसी के लिए सेम ये चीज़ अप्लाई होगी, MCQs होंगे और सेम लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सबके 20-20 मार्क्स के होंगे, यानी 20 MCQ, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी 20 मार्क्स के लिए होंगे। और उसके लिए मार्क जो टाइम है वो भी 3 आवर्स या 30 मिनट्स फॉर MCQs एंड 2.5 आवर फॉर दी जो लॉन्ग क्वेश्चंस उसके लिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था कि पेपर मार्क कौन करेंगे। पेपर मार्किंग जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू होगी, जो कंट्रोलर ऑफिस है वो फिर जो डिफरेंट जो है मार्किंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के जो है टीचर हैं या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनको वो पेपर भेजेंगे मार्क करने के लिए। वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास जो नेम्स होंगे जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन्हीं टीचर्स को जाएंगे। इसके नेक्स्ट था कि आप लोग पूछ रहे थे कि मिड टर्म एग्जाम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। मिड टर्म जो टर्म की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी आपके सेमेस्टर प्रॉस्पेक्टस पे दी हुई है, फाइनल की और मिड की। और उसमें जो अगर 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है उसके हिसाब से अगर हम देखें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो है 12 मार्क्स होते हैं सेशनल और मिड टर्म एग्जाम के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास ये जो होते हैं 24 होते हैं। तो आपने इसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है कि 24 जो कॉलेजेस वाले जो आपके टीचर्स हैं वो आपका मिड टर्म लेंगे या आपके सेशनल आपको असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, वो उसमें से आपकी जजमेंट करके आपके मार्क्स लगा देंगे। इस तरह जो प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो आपके टीचर हैं, आपकी जजमेंट करके आपके जो सेशनल मार्क्स हैं वो आपके लगा देंगे आउट ऑफ 12। अगर आपके मिड लेट्स 100% ठीक है और सेशनल भी आपके असाइनमेंट भी सारे जमा करवा दी तो आपके मार्क्स इसमें से मैक्सिमम हो सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस के ये 24 हैं। इसके बाद जो आप लोगों ने पूछा था कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, जो 100 मार्क्स है वो आप 3 क्रेडिट आवर्स के लिए, मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके बताया। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं कोई भी 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है और लेट सपोज आपके 100 में से 50 मार्क्स आते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है 48/100 ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये आपको यानी कि उसके 48 उसने 50 मार्क्स लिए हैं तो उसके 48 मार्क्स होंगे इसके 3 क्रेडिट आवर में से, ये फाइनल एग्जाम में से। अगर उसके सेशनल 12 हैं तो उसके टोटल 36 नंबर बन जाएंगे। अगर वो फाइनल में 40 मार्क्स लेता है तो 90.4 बनेंगे, और अगर उसके सेशनल 11 है तो ये 30.4 हो जाएंगे, यानी उसके टोटल 50% मार्क्स बन जाएंगे। यानी कि ये 100 मार्क्स तो लिए हैं मगर हमने इसको सेमेस्टर के अगेंस्ट 48 मार्क्स पे मैप करना है 100 मार्क्स को, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हमने इसको 36 पे मैप करना है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास 20 मार्क्स वो सेशनल के लिए हैं और 30 मार्क्स फाइनल एग्जाम के लिए हैं। इसलिए कोई बच्चा 50 मार्क्स लेता है फाइनल एग्जाम में तो उसके 18 मार्क्स हो जाएंगे फाइनल में, और उसके सेशनल आउट ऑफ 24 में से 20 हैं तो उसके टोटल 38 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 18 मार्क्स ये फाइनल में से
और जो है 20 मिड में से टोटल ये 38 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का था कि इसकी आउटलाइंस कहाँ से मिलेंगी। आउटलाइंस और सिलेबस जो ऑलरेडी आप लोगों के जो कॉलेजेस के साथ शेयर है, तो अगर बीएस मैथ और एमएससी मैथ का जो सिलेबस है मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर इसमें से भी आपके कोई मजीद क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं एक नई वीडियो में इसको आप लोगों के साथ इसके जो आंसर्स होंगे शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।